हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि राज्य में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, यहां वोट काटने वालों की कोई जगह नहीं है। हुड्डा से मायावती की पार्टी बीएसपी और आईएनएलडी के बीच हुए गठबंधन को लेकर सवाल किया गया था। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने गुरुवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा से हाथ मिलाने का फैसला किया। गठबंधन के नेताओं ने इनेलो नेता अभय चौटाला को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने का भी फैसला किया है। सीट बंटवारे के तहत हरियाणा की 90 सीटों में से बीएसपी 37 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी की सीटों पर इनेलो लड़ेगी। चंडीगढ़ के बाहरी इलाके नयागांव में बसपा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौटाला ने कहा, हरियाणा में हमने आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। आज आम जनता ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने का मन बना लिया है। जिसने पहले 10 साल तक राज्य को लूटा, वहीं बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कहा कि अगर गठबंधन राज्य में सत्ता में आता है तो अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन केवल विधानसभा चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं होगा और हम भविष्य में राज्य में अन्य चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे। गठबंधन की घोषणा के बाद मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बीएसपी और इनेलो ने जन विरोधी दलों को हराने और एक नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी बसपा के प्रमुख मायावती ने कहा कि सीटों के बंटवारों के मुद्दों पर पूरी तरह सर्वसम्मति है। 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो को एक सीट मिली थी, वहीं बीएसपी खाता खोलने में भी नाकामयाब रही। फरवरी 2019 में बीएसपी ने इनेलो के साथ अपना करीब 9 माह पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। इनेलो उस वक्त हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल था। चौटाला परिवार में फूट के बीच ये कदम उठाया गया था। इनेलो और बसपा ने हरियाणा में हाल में लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ा था और दोनों को करारी शिकस्त मिली थी। हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले यहां बड़ा खेल होता नजर आ रहा है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि हरियाणा में होने वाला विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी के साथ मिलकर लड़ेगी। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में इस गठबंधन की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, हरियाणा में होने वाला विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन के सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे। इसकी घोषणा मेरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। मायावती ने कहा, हरियाणा में सर्व समाज हितैषी जन कल्याणकारी सरकार बनाने के संकल्प के चलते इस गठबंधन में एक दूसरे को पूरा सम्मान देकर सीटों आदि के बंटवारे में पूरी एकता व सहमति बन गई है। मुझे उम्मीद है कि ये आपसी एकजुटता जन आशीर्वाद से विरोधियों को हराकर नई सरकार बनाएगी। बता दें कि हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।